हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग फिट फाट ठीक ठाक होंगे। तो भाई, वेलकम टू माय एन अदर व्लॉग। तो भाई, जैसे कि आज मेरा शूट का दिन, और सुबह मैं जल्दी जल्दी उठी हूँ, नाश्ता वास्ता जल्दी जल्दी बनाया है, और खा के जो है वो मैंने गाड़ी वाड़ी भेजी है मॉडल के लिए। और जैसे ही मॉडल आ जाएगी तो हम जाएंगे प्रेज अल्बानी के पास मेकअप करवाने के लिए। मेकअप के बाद जाएंगे हम शूट करवाने के लिए, पर पहले हम मिलेंगे मेकअप के स्टूडियो में प्रेज अल्बानी के, और वहाँ जाके उनको उठाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही मुझे कहा था कि मुझे नींद से उठाना आगे, क्योंकि मैं बिल्कुल ही अभी अभी सोई हूँ, तो आप मुझे आके उठा लेना, मेरी अपॉइंटमेंट्स भी हैं। तो इसलिए आप जाते हैं वहाँ पे, जाके उनको भी उठाते हैं और ज़रा हाल अवाल करते हैं वहाँ पे। तो चलें, वहाँ पे मिलते हैं। तो हम आए हैं प्रे जलवानी के पास अपना मेकअप करवाने शूट का, और प्रे माशाल्लाह से मेकअप बहुत ही हैदराबाद का, मेरे ख्याल से बेस्ट मेकअप जो है वो प्रे ही करती हैं, और हर किस्म का मेकअप जो है वो करती हैं। शी इज़ द बेस्ट बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट। और इनके अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये चेक करें आप, सारे के सारे जो है ना वो ब्रांडेड स्टफ़ है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो ब्रांडेड नहीं हो। तो आई लव, और आज नींद से उठाया भी मैंने इनको तभी ये नाइटी में आपको नजर आ रही है, क्योंकि नींद से भी मैंने इसको उठाया आके। थैंक यू, थैंक यू प्रे। तो भाई एंड की जो है वो फिनिशिंग दे रही है अब प्रे, और बेचारी जो है वो नींद में भी हैं, इनकी आज तबीयत भी सही नहीं है। तो ये इनका हमारे साथ प्यार है जो ये हमें करके दे रही हैं, और शी इज़ द स्वीटेस्ट मॉडल। तो ये बहुत ही स्वीट मॉडल हैं। तो आपने प्रे से भी इनकी तारीफ सुन ली और ये इनके साथ काम करना बहुत बेस्ट है, हैदराबाद की बेस्ट मॉडल। थैंक यू। तो हम आ गए हैं अपने शूट की प्लेस पर, और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना शूट, और आपको भी दिखाते हैं कि हमारा शूट कैसा होगा। और मैंने आपको मॉडल तो दिखा दी, हमारा मेकअप मैंने आपको दिखा दिया, और हम करवा रहे हैं वलीद अब्रो से अपनी फोटोग्राफी, तो उसको भी मैं आपको मिलवाती हूँ और अपना शूट भी दिखाती हूँ। तो हमारा शूट स्टार्ट हो चुका है, और वलीद अब्रो हैं हमारे फोटोग्राफर, और ये मैडम जरताज जा रही और इनसे मिले। ये है मेरी डिज़ाइनर प्लस अ बेस्ट स्टूडेंट, ये रही मैडम सरताज। कहाँ जा रही है सरताज अब? जाओ जाओ। ये वलीद भाई के साथ ना ये छोटा फोटोग्राफर भी हमारा आया हुआ है वो एक्शन मार रहा है एक्शन के नाम पे। भाई हमें चेंज करनी पड़ती है पोजीशंस, और हमने जगह अब चेंज कर ली है शूट के, तो ये जगह भी अच्छी है अगर मैं आपको दिखाऊं तो, ये जगह भी काफ़ी अच्छी है, बट हमें जगहें चेंज 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 करके शूट करवाना पड़ता है। तो ये हमारा शूट डन हो रहा है, चेंज हो चुकी है शर्ट, और डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हम कर रहे हैं अपना शूट। हमारी मॉडल है ना, इनको बाल बंद पसंद नहीं आ रहा है, ये कह रही है विंटर है तो फुल एंजॉय कर क्यों सरताज? इनको ये है कि ये बाकायदा वाला विंटर एंजॉय करने पे तुली हुई है, और कह रही है कि भाई छोड़ दो मेरे बाल खुले ही रखो, हमें खुलों में ज़्यादा कंफर्टेबल। मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ अपने फोटोग्राफर से, और ही इज़ अ बेस्ट फोटोग्राफर इन हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ वलीद, और मैं हूँ वलीद फोटोग्राफी का ऑनर। और ये जैसे शूट चल रहा है हमारा, इनके शूट तो होते आते रहते हैं हमारे पास, और कहीं और जाना होता है आपका? हाँ, कहाँ जाना होता है मेरे अलावा? अच्छा, आपके अलावा तो मैं खैर कहीं भी नहीं जाती बस पे। तो इनका इनसे शूट मैं करवा रही हूँ, कितने 4 साल हो गए?
4 साल से ज्यादा हो गए तो पहले कंबाइन था आपका फिर उसके बाद अब सेपरेट है। तो मैं इनसे बहुत शूट करवाती रहती हूँ, आप एक दफा इनको मौका दें शूट का जरूर। और बहुत ज्यादा इनके पास शूट आते रहते हैं, ये बिजी रहते हैं, पर मैं इनसे अपना टाइम निकलवाती हूँ। एनी हाउ निकलवाती हूँ, वो भी 2 दिन पहले कॉल आती है कि वलीद भा परसों करना है बस, तो अवेलेबिलिटी नहीं पूछती तो देखे हो सकता है, करना पड़ता है ना, 4 साल का साथ है, जाहिर सी बात है। एग्जैक्टली भाई, सीधा पहुंच गई हूँ शूट के बाद स्टूडियो, क्योंकि आज ही पिक्स मुझे फाइनल करनी है। और पिक्स फाइनल करने के बाद डायरेक्ट हम कर देंगे एडिटिंग वगैरह। एडिटिंग के लिए भी देर लगती है ऑब्वियसली, तो हमने ऑलरेडी मेरी छोटी बेटी की पिक्चर्स भी हैं इसमें, और ये काफ़ी सारी पिक्चर्स हैं जो अभी हम इसको एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद इनके प्राइस टैग्स लगाएंगे, और शूट माशाल्लाह से बहुत अच्छा हो गया है। तो अब आगे का काम करते हैं, और आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा शूट। और ये हमारा वो छोटा फोटोग्राफर था ये फोटोग्राफर का माशाल्लाह बहुत क्यूट सा बेटा था, और ये सारा का सारा शूट जो है वो अभी इंशाल्लाह अपलोड होगा, तो आप लोग देखिएगा। अभी हम इन सब की फोटोग्राफी वगैरह का एडिट करेंगे और फिर आगे डिस्प्ले करेंगे। तो भाई मैं आ गई हूँ अब अपने घर पर, और मैं बहुत थक गई हूँ क्योंकि मैं मॉडल को भी घर पे ड्रॉप कर आई हूँ, और राबिया जो मेरे साथ ही, मैं इतना ज़्यादा रश नहीं करती हूँ अपने कभी भी शूट पे। आपने नहीं देखा होगा कि मेरे शूट पे ज़्यादा रश है, वो इस वजह से क्योंकि फिर हर कोई डिस्टर्ब हो जाता है, और काफ़ी सारा मैं शूट आप लोगों को बिज़ी होने की वजह से दिखा नहीं पाई। और इसी वजह से जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में जो मेरे पेज का लिंक है वो मैं डालूंगी, जिसको भी बाय करने हो वहाँ से कर ले। और मेरा बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक डे गुजरा है, तो उसकी वजह से मैं पी रही हूँ अपनी चाय, जो कि मैं कुछ भी हो जाए तो मैं अपनी चाय नहीं छोड़ती, इवन तो मैं शूट पे भी चाय पी कर आई हूँ ताकि मैं अपने आप को रिलैक्स कर सकूँ। तो इंशाल्लाह आप लोगों को मेरे ड्रेसेस भी पसंद आएंगे, मेरे ब्रांड के ड्रेसेस आप लोगों को पसंद आएंगे, और आप लोगों को बाय करना हो तो आप लोग चेक कर लें डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक। और आखिरी में एक ही बात कि आप मेरी वीडियोस को करें लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि हम जुड़े रहें। और काफ़ी टाइम से मैं मुझे मेरे ख्याल से 5-6 दिन हो गए हैं मैंने व्लॉग बनाया नहीं था, वो इस वजह से क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और अभी आपको मेरे गले की हालत पता चल रही होगी, बट आज मुझे मजबूरन शूट था तो इस वजह से मुझे उठना पड़ा, पर मेरे गले की हालत बहुत ख़राब है। तो चलो भाई आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और फिर इंशाल्लाह हम कल मिलते हैं। खुदा हाफ़िज़।